हेलो, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिज टू के अंदर क्या करना है। बिज टू में सिंपली आपने जाना है अपना, आपका जो ऑफिस है ऑफिस के सिस्टम पे जाना है आपने। तो यहाँ सिस्टम में आप एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम को, लॉगिन करें आप, और व्हीकल कार्गो में जाना है। व्हीकल कार्गो में मैंने आपको पहले कहा कि वेयर हाउस मैप में आपने आज में जो आपको सूटेबल है, जो आपके पास जिसके प्राइस हैं, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। आप इजीली उसका हिसाब लगा कर आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर 40 व्हीकल्स आ जाती हैं। तो गाइस आइए, इसमें करना क्या होता है आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिक्योर जो है सोर्स व्हीकल करना है। तो ये आपका मिशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, आप कन्फर्म करेंगे। तो हमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि जी व्हीकल है रोज वैलेट वॉलर वैल्यू टॉप रेंज है, यानी कि आपकी अच्छी प्राइस में सेल होगी अगर आपको अच्छी लेके जाएंगे। एक होती मिड एक्सटेंडर होती है, तो एडजस्ट ग्राउंड करते हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपकी मोस्टली आपको 37,500 देती हैं। कस्टमाइजेशन उसकी तकरीबन 7,500 की होती है। जो आपकी मिड होती है वो आपको राउंड अबाउट 62,500 देती है। तो जो आपकी कह लें कि हाई रेंज है वो आपकी तकरीबन 20,000 की उसकी होती है, जैसे कह लें कि कस्टमाइजेशन। और आपका जो अर्न होती है मैक्सिमम प्रॉफिट वो होती है $80,000। तो गाइस इस सारे के सारे मशीन में आपको ज़्यादा से 5 से 6 मिनट लगते हैं, जैसे गाड़ी मतलब कि आप कैच करके आएँ और आप सेल करें। इसके अंदर ये होगा कि आपके मतलब कि सेल करते और बाय करते हुए आपके तकरीबन 15 मिनट गुजर जाते हैं, जिसमें ये होता है कि आप अपनी नेक्स्ट कार सेल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड वगैरह हो तो आप एट अ टाइम 100 कार सेल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 400 गाड़ी हैं और आप 80,000 इन्वेस्ट करें तो आपको वो 3,20,000 यानी कि 320K आपको प्रॉफिट दिए जाते हैं मैक्सिमम पर। तो मतलब अगर आपकी स्क्रैचेस ना आए और अगर कोई टक्कर वगैरह ना लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे ये होगा कि आपके पैसे कम नहीं होंगे। अदरवाइज अगर आपकी टक्कर वगैरह लग भी जाती है तो पैसे कम हो जाते हैं। तो ये मेरा फ्रेंड है तो वो इस टाइम कार पिक कर रहे हैं, तो अभी हम इसको लेकर जाएंगे गैराज में, अपना जो वेयर हाउस गैराज है। मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। अगर आप सोलो खेलते हैं तो आपको गेम के अंदर बॉक्स मिलेंगे। अगर आप इसमें मतलब के कई फ्रेंड्स हैं आपके सेशंस के अंदर, तो फिर आपको मतलब के फ्रेंड्स होंगे या फिर अदर प्लेयर्स होंगे तो आपको बॉक्स से फाइट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपको रियल प्लेयर का खतरा होगा। तो इसी तरह ही आपने मतलब के ड्राइव करके लेके जाना है, जैसे आपने गाड़ी को गैराज के अंदर अपने जो वेयर हाउस है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारा जो मिशन है वो ये है कि प्रोटेक्ट द रोज वाले बोन इस सिस्टम में। उस गाड़ी के अंदर बोन लगा हुआ है, उसको एक मखसूस स्पीड के अंदर ले कर जाना होगा। तो उस बोन का डिफ्यूज होने का जो टाइम है वो राउंड बहुत है 2 मिनट, उसमें से हमारा तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। 1 मिनट मजीद और ड्राइव करनी पड़ती है इसकी कंडीशन में, मतलब वो एक स्पीड दी होगी हमने, स्पीड के अंदर आके आपको ड्राइव करने के सब काम नहीं करना होगी। तो फिर वक्त अभी देखते हैं कि 1 मिनट काम किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है, तो ये आपका नुकसान होगा। और ये इसी के साथ मैं पॉज कर चुकी है, क्योंकि मेरे सामने गाड़ी होती है। तो वन आर पॉजिशन में ये आपकी पॉलिसी, आपको जैसे ही आप जाते हैं अपने गैराज में तो वहाँ पर जाकर आपकी कट ऑफ हो जाती है। तो उसको अपने को थोड़ा सा आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो ये इसका एक मिनट ग्रीच है, जिसमें अगर आपके पास पैसे ना हो तो काटते हैं। तो
अगर आपके पास सेल करने के लिए लेकिन आपके पास 20,000 चाहिए मार्केट, तो इसके लिए जो आप जब जाना है अपने प्रयास के अंदर, जैसे कि मैं अभी जा रहे हैं, आप जाकर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्त लोग मेरा पीछे से ही आ रहे हैं, और ये भी चीज़ ऐसा जो हमने जब स्टार्ट की थी GTA 5 में परचेज की थी, तो उसके बाद से लेकर फिर अब तक हम इसे ही यूज़ करते हैं, मतलब कि चेंज ही करते। तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने यही प्लेस ली थी, उसी के साथ ही मेरा फ्रेंड है जो ये किराए के अंदर आपको बाई डी कर देगा, और यहाँ पर आपको मैं क्या करो वाले बहुत डिटेल हो गई है। तो यहाँ से हम सीधा किराज के अंदर जाते हैं, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप फ्रेंड हैं तो इंटर हो जाना है, अगर नहीं है फ्रेंड तो अपने मतलब कि सोलो भी जा सकते हैं। सोलो जाके अपने सीधा अपना स्टाफ ओनली में जाना है, तो स्टाफ ओनली के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका लैपटॉप अपने सिट ऑन कर देना, और यहाँ को शो करवाएगा कि आपके पास इस टाइम कितनी कार्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास चंद एक गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास टॉप रेंज की 2 गाड़ियाँ, तो हम टॉप रेंज की सेल करते हैं। तो इसमें हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको स्पेशलिस्ट डीलर के पास सेल करना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा पैसे। अगर हम जो शोरूम में सेल करेंगे तो उन पर कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है, इनको मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन इनसे पैसे मिलेंगे भी कम। और अगर आपने ज़ीरो कॉस्ट इन्वेस्ट करनी है और पैसे आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप प्राइवेट भी सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉस्ट बिल्कुल नहीं आएगी और आपको पैसे भी बहुत कम मिलेंगे। तो लिहाजा हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ज़रा ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, इसमें हम 40,000 इस पर इन्वेस्ट कर देंगे, जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, रिस्प्ले आपको करना है, मटैलिक में आप कोई भी कलर कर दें, जस्ट आपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, और आप कुछ भी तैयार कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी दिक्कत हो जाती है तैयार। हाँ, तो अब आपको छोड़ने जाना, जिसमें आपको बोर्ड्स जो हैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो क्योंकि हम अलोन हैं सेशन के अंदर, जिसकी वजह से बोर्ड्स हमें तंग करेंगे। तो गाड़ी हमारे पास ओल्ड हैं, ओल्ड गाड़ी में थोड़ा सा ड्राइव करना मुश्किल होता है, तो आप बस इसको सिंपली अपना ड्राइव करें, और आपके हाथ में कम अज़ कम माइक्रो एसएम भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे से आपको जो एनिमीज हैं वो तंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि मेरे दोस्त ने ज़्यादा नुकसान गाड़ी का किया है, लेकिन टोटल थोड़ी गाड़ी थी। बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान होंगे, तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस, आपको उनको मारने का कोई फायदा नहीं है, आई जाते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट करते हैं, जिस वजह से आपकी जो पैसों की गाड़ी है वो डाउन होती है। तो हम उसको मतलब जितना सेव हो सके, जितना बचा सके ले के जाना होता है। अगर आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि आपको कितनी कितनी मुश्किल जा सकती हैं, अगर चाहता तो मैं आपको वैसे भी सिंपली भी आपको बता सकता था अपने फ्रेंड के साथ सोलो जा कर सेल करके कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने सेल कर ली, लेकिन आपको हर चीज़ रियलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई नुकसान हो सकता है, आपने इसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना, लेकिन ये थोड़ा सा नुकसान एक दफ़ा का नुकसान है, तो इतना We need your help. So guys, ये बहुत ही गंदी मतलब है, ऐसा नाम चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी जा रही है, तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली आप इसे अन कर सकते हैं। और
अर्न करने के लिए आपको कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। और गाइस हमने जो कुछ भी बनाया इस बिजनेस के साथ बनाया जितना कुछ बनाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर वक्त पुलिस पड़ी है तो हम पुलिस से बचना होगा। मैं भी मेरा दोस्त पुलिस के अलग में बैठ कर लेकर जा सकता है इसको। इसी के साथ हमारा मिशन हो जाता है कंप्लीट। हाँ तो गाइस आपने देखा थोड़ा सा मुश्किल हुआ हमें, लेकिन हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए हैं। काफ़ी नुकसान के बावजूद आप देख सकते हैं कि हमने 1.5 लाख तो कमा ही लिया है। तो ये था हमारा बिजू। तो कल आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपको विद MC बिज़नेस के साथ। तो MC बिज़नेस की मैं आपको डिटेल बताऊंगा, वो करने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट आपने परचेज़ करने हैं फॉर द नेक्स्ट पर्पस के लिए। लेकिन मेन बिज़नेस आपका जो मेन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो यही होगा आपका ऑफिस का बिज़नेस, जिसके अंदर कार्गो डिलीवरी है या फिर आप उसको इस आपके जो कार व्हीकल्स का है इसी को आप मेन पे रखें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द मिलियनेयर्स हो सकते हैं।